आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ द सर्कल हुज डिस्टेंस फ्रॉम 3,0 एंड 9,0 9,0 इज 12। मतलब क्या है इसका, ये देख लेते हैं। एक पॉइंट आपके पास मान लीजिए कोई पी है, और ठीक है वो एक्स और वाई है उसका, ठीक है। एक मैं लिख डाल देती हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है, ये आपके पास एक पॉइंट है और ये आपके पास ए है और ये बी है, ठीक है। तो अब हम वो क्या कह रहा है कि एक जो पॉइंट है, कौन सा कोई भी एक पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, हमें वो क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ सम ऑफ हूज डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस इज 12, ठीक है। कि हमें कोई एक पॉइंट है उसका डिस्टेंस, अगर हम ए पॉइंट मतलब 3,0 ले लें और बी पॉइंट मतलब कि हम 9,0 ले लें, तो वो उन दोनों को अगर प्लस करते हैं, दिस और दिस प्लस करके कितना आने वाला है, दैट इज 12 आ जाएगा, क्लियर हुआ। तो आप देखिए कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में बनाऊं तो क्या हो सकता है, पी ए, ठीक है, ये डिस्टेंस प्लस पी बी, ये डिस्टेंस किसके बराबर आना चाहिए, दैट इज 12। इतनी बात समझ में। अच्छा, अब पी ए डिस्टेंस को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इसको अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3, ठीक है, का होल स्क्वायर, डिस्टेंस तो आता होगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरा क्या हो जाएगा y माइनस 0, भी हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अंडर रूट ऑफ दूसरा क्या हो जाएगा आपका x माइनस 9, तो भी हो जाएगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर, उसका प्लस y माइनस, अभी से रेस कर देते हैं हम लोग, देखिए ये हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, 12 के बराबर, ठीक है, यही तो बोला था, उस डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू क्या आने वाला है, 12, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब एक काम कर लेते हैं, इसको हम क्या ले लेंगे, एल, और इसको हम क्या ले लेंगे, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर इसको एल और एफ ले लेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं एल और एम इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 12। ये इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है, क्या है, एल प्लस एम इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपके पास, 12, ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन तो इरेज हो जाएगा बाद में हमारे पास। अब ये देखिए, अब आपको क्या करना है, एल का स्क्वायर और एम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम क्या करने वाले हैं, देखिए एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर ले लेंगे, तो एल कितना था आपका, ये था। अब देखिए, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी, सोचिए इसका स्क्वायर करूंगी तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या होने वाला है, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या सिर्फ हमारे पास एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो वही चीज से मैं लिखने वाली हूं यहाँ पे, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इतनी बात समझ में क्यों लिख रही हूँ, इसी तरह से मैंने एम का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर भी स्क्वायर से अंडर रूट क्या होने वाला है, कैंसिल आउट, तो सिर्फ मेरा बचेगा क्या यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ, ये बचेगा मेरे पास, दैट इज एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और इक्वल्स टू कितना आएगा, सॉरी इक्वल्स टू तो लिया ही हमने, ठीक है, तो ये समझ में आ गया मैंने ये कैसे लिखा है आपको, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18 जो है x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्लस ऑफ y का स्क्वायर प्लस ये जाएगा x का स्क्वायर प्लस ऑफ 81 माइनस क्या होगा 18 और x प्लस ऑफ कितना आ जाएगा y का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई, सिर्फ इसको मैंने सॉल्व कर दिया इस इक्वेशन को, ठीक है। अब इरेज कर देते हैं इसको, जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने साइड में लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है, सोचिए ये x का स्क्वायर है, ये x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, ओके, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ना माइनस आना चाहिए था ये, तो अगर ये माइनस आएगा तो यहाँ प्लस के हिसाब से लिया ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये जो प्लस का है वो भी क्या हो जाएगा माइनस का, ये जो माइनस का वो प्लस का, और जो प्लस का है वो माइनस का, क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इस एक्स का स्क्वायर से ये एक्स का स्क्वायर कट गया, ये वाई के स्क्वायर से वाई का स्क्वायर कट गया, अब बचा क्या हमारे पास 81 और 9, तो ये हमारा कुछ माइनस का 72 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 18 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है 18 प्लस और माइनस का, तो ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, कुछ मिस्टेक है क्या, 6 आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे 6 आना चाहिए, ठीक है, ये प्लस का 8 और ये तो आपका 12 आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 12 और x आ जाएगा, ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया आपके। तो ओवरऑल जो हमारे पास है एल का स्क्वायर माइनस जो है एम का स्क्वायर वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया आपके पास 12x माइनस 72, ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे लिखा, बस मैंने इसे एज इट इज लिख दिया, ठीक है, इसे रेस कर देते हैं। अब देखिए कैसे करना है, अब इसके बाद देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा 12 कॉमन निकाल सकते थे, x माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 12 जो है 6 का कितना होता है 72, ये हो गया। अच्छा, इसको क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, तो मैं वही लिखूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा एल प्लस एम और एल माइनस एम, क्योंकि यहाँ पे मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अभी देखिए एल प्लस बी की फॉर्मूला लिख कितनी थी, ये आपके पास थी एल प्लस एम की 12, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं, एल माइनस एम इज इक्वल टू क्या रहेगा 12 एक्स माइनस ऑफ 6,
ठीक है, ये 12 से 12 क्या होंगे, कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपके पास, ये बचा एम माइनस एम इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ सिक्स। इतनी बात समझ में कैसे लिखा, ठीक। अच्छा अब एक काम कर लेते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देते हैं और इसको हम सेकेंड इक्वेशन मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर देते हैं इसको वन एंड टू को। अगर मैं वन एंड टू को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा आपके पास, एल प्लस एम जो है प्लस एल माइनस एम इज इक्वल टू। देखिए पहले मैंने किसको रखा है, एल प्लस एम, तो उसकी वैल्यू कितनी थी 12, तो मैं पहले 12 रख रही हूँ। क्लियर हुआ कैसे रख रही हूँ, एल माइनस एम रखी है तो अब उसकी वैल्यू कितनी थी, एक्स जो है माइनस सिक्स, ठीक है, इसे हटा देते हैं। क्लियर हो गया। अब ये देखिए एम से एम से क्या हो गया, कैंसिल आउट, और 12 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस सिक्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 टाइम ऑफ एल। इतनी बात समझ में आई कैसे किया। अच्छा अभी पीछे मैंने बताया था आपको एल किसको लेनी थी, मैं अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ वाई का स्क्वायर, इसको मैंने क्या लिया था, पूरे को एल लेके चल रही थी। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे एल पुट कर सकती इसकी जगह पे, तो वो मैं जो है प्लेस कर दूंगी, ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं। अब से मुझे लास्ट रिजल्ट की जरूरत है बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ एल, एल कितना आ जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे ऐसे तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम एक काम कर लेते हैं, स्केलिंग बोथ साइड कर देते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्केलिंग बोथ साइड, अगर स्केलिंग बोथ साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ये तो स्क्वायर से अगर क्या होगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ कितना आएगा, वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्योंकि स्केलिंग बोथ साइड करें तो इस पे भी आने वाला, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12x, और बस इतना आएगा आपके पास, है ना, ये हो गया 2, 6, 12, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद इसको भी करिए, तो यहाँ पे क्योंकि ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या रहेगा, ये इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 6 सॉरी 9 और माइनस का 6x आ जाएगा, प्लस ऑफ कितना हो जाएगा, दैट इज 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12x आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब एक काम कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12x, ठीक है। 4 6 कितना होता है 24, सॉरी यहाँ पे 24, यहाँ पर ये आ गया x का स्क्वायर प्लस 36 माइनस कितना आएगा 12x, ये तो ऐसे जैसे रहे। अब एक काम कर लेते हैं, इधर ले आते हैं, तो देखिए 4x का स्क्वायर 1x का स्क्वायर, तो माइनस होगा तो कितना होगा 3x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए ये 4y का स्क्वायर है, तो ये तो 4y का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है 36 ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 24x आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये आ जाएगा 12 का, और यहाँ कुछ मिस्टेक है क्या, माइनस का नहीं, यहाँ प्लस का आना चाहिए, ठीक है। ये जब यहाँ पे आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा 36x इक्वल्स टू कितना आएगा 0, तो ये आपके पास क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई जो हमें निकालनी थी। तो आई होप कि हमने कैसे क्वेश्चन किया है आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ सॉल्यूशन रहा है। अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि लोकस से हमें जो है कंडीशन को कैसे अप्लाई करना है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर हुआ। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स, ठीक है। हमारे पास क्या आर्क इन द फॉर्म ऑफ इसमें है, सेमी एलिप्स में है, एंड इट इज 8 मीटर वाइड। देखिए ये कितनी है पूरी पूरी, ये जो एलिप्स है वो क्या है, 8 मीटर वाइड है। इतनी बात समझ में आ रही है, 8 मीटर वाइड है, एट 2 मीटर हाई है, तो 2 मीटर हाई में तो समझ में आ रही है, ये क्या है 2 मीटर हाई है, एट द सेंटर, कहाँ से, सेंटर से। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क, आर्क एट अ पॉइंट 1.5 फ्रॉम वन एंड। देखिए उसने क्या बताया, एक एंड से 1.5 का डिस्टेंस ले लिया, तो अगर ये पूरा का पूरा आर्क था तो 4 ये होगा और 4 ये होगा, और इसके बाद यहां से अगर मैं 1.5 ले लेती हूँ वन एंड से, तो बचा हुआ कितना होगा, 2.5 होगा कि नहीं होगा, ये आपके पास आ गया 2.5। अब ये x तो पता है, बट ये पॉइंट आपको निकालना है, ये हाइट कितनी रही होगी, मतलब y निकालना है। अच्छा अब ये देखिए, अगर मैं एलिप्स की इक्वेशन लूं तो क्या होता है, x का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 1। इतनी बात समझ में आई, मैंने आपको शुरू से बता रही हूँ, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, a इक्वल्स टू क्या दिया उसने 4 और b इक्वल्स टू कितना दिया 2, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x का स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस y का स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1। इतनी बात समझ में आई। अगर इसे मैं पूरे को सॉल्व करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y का स्क्वायर जो है 4, यहाँ नहीं आएगा सॉरी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 16। ये आपके पास क्या आएगी, पूरी इक्वेशन आ जाएगी। इतनी बात समझ। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये इक्वेशन तो आ गई हमारे पास, ठीक है। अब x से तो हमें डिस्टेंस पता है वो कितना है 2.5 है, y का नहीं पता, तो आप एक काम करिए इसके अंदर डाल दीजिए 2.5,
यहाँ पे अगर 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। इतनी बार समझ में कैसे किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे करते हो तो ये 2.5 का स्क्वायर 25 का कितना होता है 625, यहाँ पे क्या होगा 6.25 आ जाएगा इज इक्वल सॉरी यहाँ पे जाएगा प्लस ऑफ 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, ठीक है। तो इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसे ले लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 4y का स्केल इज इक्वल टू 16 माइनस ऑफ 6.25, ठीक है। ये सब समझ में आया कैसे आया आपके पास, ठीक है। अगर आप इसे माइनस करते हो तो ये आपके पास हो जाएगा 9.75, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 4y का स्केल, तो एक काम कर सकते हैं y का स्केल इक्वल टू 9.75 अपॉन में कितना हो सकता है 4। अब ये देखिए अगर स्केयर है, ये क्या आपके पास स्केयर है, इसे स्केयर की जगह पे हम क्या कर लेते हैं अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 9.75 बाय 4 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2 आपके पास, ठीक है। ये समझ में आ गया आपके पास कि 9.75 कैसे आया आपके पास, ठीक है। अभी देखिए सबको पता है अगर हम ध्यान से देखें तो 9 किसका है, अगर अंडर रूट करेंगे तो 3 आएगा, तो ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है, ठीक है। तो मैं एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकती हूँ, तो वो क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 3.1 बाय 2, ठीक है। तो अगर आप इसे और अगर फर्दर डिवाइड कर लीजिए इसको, ठीक है, तो अगर डिवाइड करोगे तो आपको पता है 3 का कितना आने वाला है 1.5 समथिंग है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 और 6 समथिंग आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट आएगा आपके पास। तो आपकी जो हाइट निकालनी थी वो पता चल गई कैसे निकालनी है आपको, ठीक है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू टू ऑल।